शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। 조선민주주의민공화국 핵무기 연구소 성명। अभी कोरियन भाषा में आपने जो आवाज सुनी वह 3 सितंबर 2017 को नॉर्थ कोरिया के स्टेट टीवी पर दी गई एक खबर है। उसमें कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है और यह अब तक का सबसे बड़ा बम है। मैं हूं सौरभ भ्रमर, आपके साथ। आप सुन रहे हैं तानाशाह सिर्फ ईयरशॉट पर। हाइड्रोजन बम कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी टेस्टिंग के बाद नॉर्थ कोरिया के आसपास के देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, जिसके बाद उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुटने टेक दिए थे और जिसके जख्म जापान और उसकी आने वाली पीढ़ियां आज तक झेल रहे हैं। अब सोचिए कि ऐसे ही हाइड्रोजन बम का रिमोट कंट्रोल एक ऐसे सनकी तानाशाह के हाथ में है जो अपने रक्षा मंत्री को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा करके सिर्फ इसलिए मरवा देता हो क्योंकि एक मीटिंग के दौरान उसे झपकी आ गई थी, यानी उसकी आंख लग गई थी। जी हां, यह शॉट की तानाशाह सीरीज में इस बार हम लेकर आए हैं नॉर्थ कोरिया के एक और तानाशाह किम जोंग उन की कहानी, जो कि किम खानदान की तीसरी पीढ़ी का तानाशाह है। जैसा कि यह शॉट की तानाशाह सीरीज के किम जोंग इल चैप्टर में बताया जा चुका है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में बाहरी दुनिया से आई खबरों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर देश उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों के हिसाब से खबरों को कहानियों में और कहानियों को खबरों में तब्दील कर लेता है। तानाशाह के इस एपिसोड में यह शॉट आपके लिए इन्हीं खबरों में से किम जोंग उन के बारे में चुनिंदा खबरें चुनकर लाया है। शुरुआत में वही बात कि नॉर्थ कोरिया में हर बात एक मिस्ट्री है, एक रहस्य, यहां तक कि किम जोंग उन का बर्थडे भी। उसके पिता किम जोंग इल की तरह उनके जन्मदिन के बारे में भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उसका देश, उसका जन्मदिन 8 जनवरी 1982 बताता है तो पड़ोसी और दुश्मन देश 8 जनवरी 1983 यानी 1983। वहीं अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट 8 जनवरी 1984 बताता है। तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर के किम जोंग उन की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई थी और उस वक्त पहचान छिपाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया था। यह भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री। एक रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ाई के दौरान उसका नाम चोल पाक या पाक चोल था और उसने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न से 1993 से 1998 यानी 98 के बीच पढ़ाई की थी। दूसरी रिपोर्ट यह कहती है कि उसने स्विट्जरलैंड की ही एक सरकारी स्कूल में 1998 से 2000 यानी 1998 से 2000 के बीच पाक उन या उन पाक के नाम से पढ़ाई की थी। जितनी रिपोर्ट्स उतनी ही बातें हैं और जितनी बातें हैं उतने ही सच और झूठ। अब हकीकत क्या है कोई भी पक्के तौर पर बता नहीं सकता। यह भी एक ताज्जुब करने वाली बात है कि दुनिया भर की मीडिया के अनुसार जल्लाद किम जोंग उन पढ़ाई के दौरान काफी शर्मीला था, लेकिन एम्बिशियस स्टूडेंट था और उसे बास्केटबॉल का बेहद शौक था। हां, पढ़ाई लिखाई में वह एकदम फिसड्डी था, उसके लो ग्रेड्स इस बात की गवाही देते हैं। ऐसा नहीं है कि किम जोंग उन ही नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने वाला था। उससे पहले उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम का नंबर था, लेकिन नाम की मौज मस्ती न सिर्फ उसकी सुप्रीम लीडर की कुर्सी को ले डूबी बल्कि बाद में उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो वाकया कुछ ऐसा है कि किम जोंग नाम को डिज्नीलैंड घूमना था तो जापान के डिज्नीलैंड की ट्रिप बनाने का प्लान कर लिया और फर्जी पासपोर्ट पर जापान में घुसने की कोशिश की, जहां वह पकड़ा गया। यह बात है 2001 की। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडरशिप की लड़ाई में उसका पत्ता हमेशा के लिए कट गया। किम का एक और बड़ा और सगा भाई है जिसका नाम किम जोंग चुल है।
अब कायदे से चुल को ही सुप्रीम लीडर बनना चाहिए था, लेकिन किम जोंग इल यानी पिता को लगा कि वह देश पर राज करने के लिए फिट नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा फेमिनाइन है। इसके उलट किम जोंग उन यानी छोटा भाई काफी सख्त मिजाज समझा जाता था। बहुत कुछ अपने पिता और नॉर्थ कोरिया के एक्स सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की ही तरह। किम जोंग उन के सुप्रीम लीडर बनने के पीछे उसके बहुत बड़े पियक्कड़ होने का भी हाथ है, क्योंकि इसमें उसके अपने पिता जैसे होने का एक किस्म का प्रतिबिंब यानी साइन मिलता है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि वह कभी हार स्वीकार नहीं करता। इन्हीं सब वजहों से किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर समझा जाने लगा था। यहां तक कि 2009 में उसकी शान में किम खानदान के लिए गाए जाने वाले सॉन्ग ऑफ प्रेज में भी उसके बारे में बखान है। खबरों में तो यहां तक भी सुना जाता है कि किम जोंग इल ने अपने फैसले पर चीन की एंडोर्समेंट स्टैंप एक सहमति के लिए किम जोंग उन को चुपके से चीन भी भेजा था, और जैसा कि लाजमी है चीन ने इन खबरों को गलत बताया था। दो और बातें ऐसी थीं जिनकी वजह से किम जोंग उनका सुप्रीम लीडर बनना एकदम तय हो गया था। वो था साउथ कोरिया को दो बार मिलिट्री नुकसान पहुंचाना। एक बार 2010 में साउथ कोरिया के एक समुद्री जहाज को किम जोंग उनके ऑर्डर पर हमला करके समुद्र में ही डुबो दिया गया, जिसकी वजह से उस पर सवार 104 लोगों में से 86 लोग मारे गए थे। और दूसरा मौका था साउथ कोरिया के मिलिट्री प्रैक्टिस पर बमबारी करवा देना। इन दोनों वजहों से किम जोंग उनकी मिलिट्री को लीड करने की ताकत जाहिर हो रही थी और उसके सुप्रीम लीडर बनने का रास्ता साफ हो गया था। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हुई और किम जोंग उन ऑफिशियली सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठने वाला बदल गया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों की किस्मत नहीं बदली थी। वे एक तानाशाह के चंगुल से निकलकर अब दूसरे के चंगुल में फंस गए थे, और यह सिलसिला लगातार तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। नॉर्थ कोरिया के हिसाब से ही माने तो सिर्फ 29 साल की उम्र में ही किम जोंग उन वहां का सुप्रीम लीडर बन गया था, और तब से ही किम जोंग उन की मीडिया में पहचान एक सनकी और बर्बर तानाशाह की रही है। उसके अजीबोगरीब फैसलों की खबरें पूरी दुनिया में छपती ही रहती हैं। किम जोंग उन की वजह से ही ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाने वाले देशों में नॉर्थ कोरिया टॉप पर शुमार होता है। ये शॉर्ट पर तानाशाह सीरीज के किम जोंग उन चैप्टर में अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह बनने के बाद की कहानी, उसके वो हैवानियत भरे कारनामे जिन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ, आप सुन रहे हैं तानाशाह सिर्फ ये शॉट पर। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। earshot, here and now।